नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, RPSC ने वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के सभी अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग डेट है वो घोषित कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जिसका आप सभी को इंतज़ार था वो समय आ चुका है। सभी की जो काउंसलिंग डेट है वो RPSC ने जारी कर दी है। दरअसल ये काउंसलिंग डेट कल के दिनांक में 9/11 को ही जारी कर दी थी, लेकिन नेट इशू होने के कारण, नेट जो बंद था इसके कारण ये वीडियो हम नहीं डाल पाए थे, तो इस पर हम आज वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिएगा दोस्तों पूरी खबर क्या है। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 TSP या नॉन TSP के अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूचियाँ दिनांक 29/7/2019 से 21/8/2019 तक जारी की गई थी हैं। उक्त सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। पात्रता जांच उपरांत पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच कार्यक्रम अभ्यर्थियों के पत्र आदि आयोग की वेबसाइट ये www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किए जा रहे हैं। जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 11/11/2019 से डाउनलोड कर पात्रता कार्यक्रम अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियों में स्वप्रमाणित दस्तावेजों की 1 प्रति के साथ निर्धारित अवधि में स्वयं व्यक्ति से काउंसलिंग के दौरान आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि देखिएगा 11/11 यानी 11 नवंबर से आप ये जो है प्रपत्र जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं RPSC की साइट से, और उसके बाद आपको उस आवेदन पत्र को कम्प्लीट भर करके उसकी 2 प्रतियाँ निकलवानी है, और स्वप्रमाणित दस्तावेजों की 1 प्रति जो कम्प्लीट दस्तावेज हैं उनकी स्वयं अटेस्टेड करके उनकी 1 प्रति निर्धारित समय में, जो भी आपका टाइम बताया गया है उसके अनुसार काउंसलिंग के दौरान स्वयं आपको कार्यालय में उपस्थित होना है। आयोग कार्यालय में अभ्यर्थियों का विषयवार या रोल नंबर वाइज में विस्तृत आवेदन पत्र दिनांक 18/11/2019 से काउंसलिंग हेतु कार्यक्रम अनुसार स्वयं उपस्थित होना है। जी हाँ दोस्तों, जो काउंसलिंग डेट है वो 18 नवंबर से प्रारंभ है, यानी काउंसलिंग 18 नवंबर से प्रारंभ होनी है। तो अब देखते हैं किस विषय की काउंसलिंग कब है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक विषय के आवेदन पत्र मंगवाने हेतु पृथक पृथक अवधि निर्धारित होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक विषय की एक अलग अलग अवधि होगी, अलग अलग डेट में काउंसलिंग होगी। जो प्रत्येक विषय की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र व्यक्ति से काउंसलिंग में जमा कराने हेतु उन्हें रोल नंबर वार पृथक पृथक दिनांक व सत्र पूर्वान्ह व अपराह्न निर्धारित किया गया है। प्रतिदिन जिस काउंटर पर जिस विषय रोल नंबर की काउंसलिंग होगी, आयोग मुख्य द्वार के बाहर उस विषय में रोल नंबर की सूचना चस्पा होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप RPSC कार्यालय जाओगे, वहाँ पर जिस जो भी आपका रोल नंबर है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, उसके अनुसार वहाँ पर बाहर जो गेट के बाहर आपको एक लिस्ट वहाँ पर चिपकी हुई मिलेगी, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो काउंसलिंग है किस काउंटर पर होगी। उक्त सूचना समय पूर्व आयोग कार्यालय की वेबसाइट पर भी अभ्यर्थियों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये टाइम टेबल है जो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए हिंदी TSP, कुल 318 पद थे जिसमें TSP क्षेत्र के हैं हिंदी के। तो विचारित सूची में जो प्रोविजनल सूची है उसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देखते हैं 41 96 43 से लेकर के 92 64 43। तो ये रोल नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं इनकी जो डेट है काउंसलिंग की वो है 18/11/2019 यानी 18 नवंबर, ठीक है। तो टोटल 682 ये जो कैंडिडेट हैं इनकी काउंसलिंग होगी 18 नवंबर को। इसी के साथ अंग्रेजी TSP, विज्ञान TSP, गणित TSP और उर्दू TSP, इन सभी की काउंसलिंग दोस्तों 18 नवंबर को होगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों इनकी किस किस हिसाब से, तो यानी 18 नवंबर को कुल 983 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और अगर बात करी जाए और इसी के अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान TSP की 19 नवंबर को ये डेट है, जिसमें कुल 466 जो अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है TSP सामाजिक विज्ञान के, और संस्कृत TSP के जो 400 अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो इस तरह से कुल 866 जो अभ्यर्थी हैं वो 19 नवंबर को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों 838 कुल पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट अगर इनकी बात की जाए, और यहाँ पर कुल अभ्यर्थी हैं 1849, ठीक है। तो इनकी काउंसलिंग 18 और 19 नवंबर के
दिन होगी। आगे बात करें दोस्तों पंजाबी नॉन टीएसपी, अगर नॉन टीएसपी की देखिए दोस्तों किस किस की डेट डिक्लेयर कर दी गई है कि पंजाबी नॉन टीएसपी जो है उसकी 20 नवंबर को होगी, सिंधी नॉन टीएसपी की 20 नवंबर को होगी और उर्दू नॉन टीएसपी की भी 20 नवंबर को होगी, गणित नॉन टीएसपी की भी 20 नवंबर और 21 नवंबर को ये करवाई जाएगी क्योंकि अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा हैं, 727 जो पोस्ट लेकिन 1521 गणित के जो अभ्यर्थी हैं इसके हिसाब से, तो तीन चरणों में होगी ये और 2021 को होगी। और अंग्रेजी नॉन टीएसपी की जो है आप बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होने के कारण 1860 अभ्यर्थी हैं, तो इसी कारण इनकी जो है काउंसलिंग वो 22 को होगी पीएम एएम और 25 को एएम पीएम, यानी दोनों सुबह शाम के दोनों पारियों में 22 और 25 को इनकी काउंसलिंग होगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाइन पत्र जारी नहीं किया जाएगा, शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कार्यक्रम की सूचना आयोग द्वारा यथासमय जारी कर दी जाएगी, आयोग द्वारा आगामी काउंसलिंग संबंधी सूचना प्रेस नोट द्वारा जारी की जाएगी। साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा अपलोड किए गए दो पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग पत्र के साथ अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। निर्धारित दिनांक व समय पर विस्तृत आवेदन पत्र में अपेक्षित दस्तावेज व्यक्ति से काउंसलिंग के दौरान जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा, इसे तो अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थी अंतिम परिणाम से विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। तो ये देख सकते हो आप रेणु जयवाल सचिव जो है आरपीएससी, तो इस तरह से दोस्तों ये प्रेस नोट जो जारी किया है आरपीएससी ने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के जो अभी प्रथम चरण में जो काउंसलिंग डेट है वो डिक्लेयर की है। अभी भी देखो टीएसपी तो लगभग सभी सब्जेक्टों के टीएसपी की डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई हैं, बाकी नॉन टीएसपी की पंजाबी सिंधी उर्दू गणित और अंग्रेजी सब्जेक्ट जो हैं उनकी नॉन टीएसपी की भी जो काउंसलिंग डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। इसके अलावा जो शेष सब्जेक्ट हैं उनकी काउंसलिंग तिथि अभी जारी नहीं की गई है, तो देखते हैं आरपीएससी उनके बारे में अगली डेट कब जारी करती है। तो दोस्तों ये पूरी खबर थी, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, आपके दिमाग में अगर कोई शंका हो तो हमें कमेंट करके पूछें, आपके मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी एजुकेशन न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।